पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वन मैन वन पोस्ट को लेकर पार्टी में कलह जारी है। इन सब के बीच टीएमसी सुप्रीमो और सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ सभी शीर्ष पदों को निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ममता ने 20 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? बुआ ममता बनर्जी के खिलाफ भतीजे अभिषेक ने क्यों किया विद्रोह? दरअसल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की टीम और पार्टी के पुराने नेताओं के बीच बढ़ती दरार के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी के 20 सदस्यीय नई नेशनल वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी में उन्होंने जहां कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया तो वहीं कई लोगों को मौका दिया है। इससे पहले ममता और उनके भतीजे के फॉलोअर्स के बीच चल रहा संघर्ष पिछले हफ्ते और तेज हो गया, जब अभिषेक के वफादारों में एक व्यक्ति एक पद को लेकर सोशल मीडिया पर #वन मैन वन पोस्ट से कैंपेन शुरू कर दिया। पार्टी में कई लोगों ने इसे सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह के तौर पर देखा, क्योंकि जून 2021 में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अभिषेक इस नीति के मुखर प्रचारक रहे हैं। उन्होंने यूथ विंग के अध्यक्ष पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि युवाओं को रैंक से ऊपर उठने का मौका दिया जाना चाहिए। उधर सोशल मीडिया पर कैंपेन से टीएमसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ममता ने नीति में ढील देने और कोलकाता नगर निगम के लिए विधानसभा के 6 सदस्यों को नामित करने का फैसला किया था, जिसमें 4 नी वर्तमान बोर्ड के पार्षद थे। सूत्रों की माने तो टीएमसी इन दिनों 2 खेमों में बढ़ती दिख रही है। इनमें से एक खेमा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का है, तो वहीं दूसरा खेमा सीएम ममता बनर्जी के वफादार पुराने नेताओं का है। अभिषेक बनर्जी के करीबी नेता पिछले कई दिनों से पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की खुली हिमायत कर रहे हैं। इस मांग से कई पदों पर बैठे पार्टी के पुराने नेता असहज महसूस कर रहे हैं और वो इसे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पार्टी में चल रही इस उठापटक पर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।